इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बस स्टैंड टेरी हत्याकांड के नामजद अभियुक्त लाल बिहारी यादव के रानीपुर स्थित आवास पर पुलिस ने कुर्की जब्ती का कार्य प्रारंभ की तो अपराधी ने एसएसपी कार्यालय के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इसके बाद पुनः कुर्की जब्ती की गयी, सामान वापस कर दिया गया। कांड हुई थी, इसके ऑलमोस्ट सभी अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं। लाल बिहारी जो कि नामजद अभियुक्त है, लंबे समय से फरार चल रहा था। कल संध्या में इसकी कुर्की प्राप्ति न्यायालय के द्वारा और सुबह 7 बजे से ही सदर थाना अध्यक्ष ने कुर्की शुरू की। उसके बाद अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष समर्पण किया। अभी यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आगे जो भी होगा खुलासा किया जाएगा। ये सर बुल्ला सहनी, लल्ला सहनी ये शराब का कारोबार करता है और यहाँ पर करीब 1 दर्जन कांडों में वांछित था। अन्य जिले में भी कई कांडों में वांछित है, इनसे भी पूछताछ होगी और जो भी नतीजा सामने आया उसे। किस तरह का मामला है सर? ये राज्य से बाहर से शराब ला करके यहाँ सप्लाई करने का इस पर आरोप है सर। ये जो बस सीआरपीसी धारा 83 के तहत कार्रवाई होती हुई आदेश मिला था और आज सुबह 7 बजे जब शुरू की गई तो करीब ये 8:30 बजे ये अपीयर हुए पुलिस के समक्ष। जब ये समर्पण कर दिया उसके बाद कुर्की को रोक ली गई और इसको पूछताछ के लिए हम लोग बुलाए। अभी हम लोग वर्तमान मामले में जो कि ट्रिपल हत्याकांड हुआ था उसमें इनको ढूंढ रहे थे। जब हम लोग चार्जशीट करेंगे तो बाकी अन्य मामलों में जो भी संलिप्तता रही है हम लोग उस पर कार्रवाई। पहले भी हत्या का अब पहले भी आरोप लगा था लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि किस स्थिति में है। सरेंडर नहीं कर रहे थे, इसका क्या वजह आप मान रहे हैं? कानून ने अपना काम किया और ये सामने है ये नमूना कि जब कोई अपराधी पुलिस से भागता है तो पुलिस कैसे उसको न्यायालय के समक्ष समर्पण करने के लिए बाध्य करती है और ये साबित हुआ कि कानून बहुत मजबूत है और कारगर तरीके से काम करती है। महिलाओं की सेहत का ख्याल रखने के लिए अब आपके शहर दरभंगा में लेडीज पावर फिटनेस जिम खुल गया। स्थानीय MMTM कॉलेज के पास इस जिम का उद्घाटन मेयर वैजयंती देवी खेड़िया ने फीता काटकर किया। वहीं मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। We'll be right back.
ये बहुत अच्छी जीव है, हम देखें सब यहाँ जो रखे हुए सामान अच्छा है महिलाओं के लिए। जीव बीच में है, शहर के बीच में है, लोग आएंगे यहाँ और हम ये चाहते हैं कि जीव अच्छी चले और लोग उनसे जुड़े और अच्छा लेडी लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, आगे उन्नति हो यही हम चाहेंगे। ढेर सारी बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर राकेश अनुप्रिया। सबसे पहले दरभंगा में तो जिम बहुत सारे लेकिन स्पेशली लेडीज़ के लिए हमें नहीं लगता कि एक भी जिम नहीं है। स्पेशली उनके लिए अच्छा होगा जो हाउस वाइफ है, जो घर में बैठे अपने डाइट के किसी भी हिसाब से डाइट लेते हैं, अपना वेट लॉस उनका बढ़ता चला जा रहा, डायबिटीज़ और बहुत सारे डिजीज से उनको हो रहा है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि लेडीज़ जिम आए और अपने आप को फिट रखें। क्या नाम हुआ? मेरा जिम एयर लेडीज पावर फिटनेस जिम, जो श्यामा मंदिर के बगल में MMTM कॉलेज के पास है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। मेरा ये मकसद था कि आजकल ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और उससे भी बड़ी समस्या है जेंट्स जिम में जाना, क्योंकि वहाँ लेडीज सही से जिम नहीं कर पाती हैं, उन्हें कम्फर्टेबल फील नहीं होता था, इसलिए मैं चाहती थी कि वो निसंकोच जिम करें, अपना एक्सरसाइज करें, अपना वेट कम करें, क्योंकि बॉयज जिम के कारण वो घर में बैठ जाती थी, शर्म से वो नहीं जा पाती थी। तो मेरा यही मकसद है कि हमारा दरभंगा जो है वो स्वस्थ हो, स्वस्थ नारी बने। जिम में क्या क्या आइटम सब रखे हैं? जिम में मेरा स्टीम बाथ है, फिजिशियन है, ये डाइटिशियन है। इसका शुल्क क्या रखे हैं? इसका शुल्क है मंथली है इसका 1500, 3 मंथ का 4000, 6 मंथ का 7500 और 12 मंथ का 14000। आज का क्या? आज का फ्री और एडमिशन है ओपनिंग पे। क्या नाम हुआ? अनुप्रिया झा। मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह में हुए दर्जनों युवतियों से बलात्कार एवं हत्या के खिलाफ दरभंगा में राजद, CPI, CPM, भाकपा माले, रालोसपा सहित 14 छोटी पार्टियों के आह्वान पर 2 अगस्त को बिहार बंद का आह्वान किया गया। दरभंगा में मिला जुला असर देखा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण के खिलाफ, पूरे बिहार में सरकारी जमीन पर बसे गरीबों को उजारने के खिलाफ, दलितों पर बढ़ रहे हमले के खिलाफ और सरकारी नाकामयाबी के खिलाफ आज वामपंथी दलों के संयुक्त आह्वान पर पूरा बिहार बंद सफल रहा है। हम बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने भरपूर समर्थन हमको किया है। हम कहना चाहते हैं, हमने जो लड़ाई शुरू किया है वो लड़ाई इस बंद के साथ समाप्त नहीं हुआ है, यह लड़ाई शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में सरकार के नाकामयाबियों के खिलाफ, बच्चियों से यौन शोषण के खिलाफ, दलितों पर हमले के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगा। वामपंथी दल एकजुट होकर इन सवालों को उठाते रहेंगे। आज बिहार में कानून का राज नहीं रह गया है, गुंडों, माफियों, दलालों का राज हो गया है, बलात्कारियों का राज हो गया है। इस राज को ख़त्म करने तक वामपंथी दलों की एकता जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, यही आज हम कहना। वाम दल के समर्थन में हमारे पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी समर्थन कर रहे हैं और पूरे बिहार में तमाम गली, चौक, चौराहा, गली में पूरा चक्का जाम है, संपूर्ण बिहार बंद है। और माननीय मंत्री जो है मंजू वर्मा, उसका पति जो बलात्कारी है, उसको अविलंब गिरफ्तारी करें और नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें, इसी का मांग हमारे पार्टी का नेता भाई तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। दल के साथ बिहार के हमारे
राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथियों ने, नेताओं ने इस बंद का समर्थन दिया। हम धन्यवाद देते हैं अपने साथियों को कि काफ़ी जोर शोर के साथ संपूर्ण बिहार को बंद रखा। बंद का मूल रूप है कि मुजफ्फरपुर में जो बालगृह में बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, कोई एक बच्ची के साथ नहीं, सैकड़ों बच्ची के साथ बलात्कार होता रहा, लेकिन इस बात को दबा के रखा, जो भी बच्ची उसमें आवाज़ उठाई आज से पूर्व उसकी हत्या हो गई। हम तो उस बच्ची को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बालगृह जेल के अंदर में जो बलात्कार हुआ उसका, उसके साथ उस आवाज़ को जेल से बाहर पहुंचाया, उसकी आवाज़ को तेजस्वी ने पकड़ा और तेजस्वी ने इस बात को उठाया कि बालगृह में एक बच्ची जो जेल में बंद रहती है, अगर उसको सजा हो जाता है तो उसको निकलना पड़ता है, उसका बेल होता है तो निकलना पड़ता है। कोई भी बालगृह में जेल में शरीफ परिवार की माँ बहन भी जेल में बंद रहती है, कोई बेस्या नहीं बंद होती है। लेकिन बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के आदेशानुसार जो वाम दल के द्वारा ये बिहार बंद का आह्वान किया गया था, उसमें वाम दल के साथ 13 अन्य पार्टियां का सहयोग मिला था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने भी सहयोग किया था। आज हम लोगों ने बिहार बंद को पूर्णतः सफल बनाया और जनाब अली अशरफ फातमी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में हम लोग चारों साइड घूम घूम के, जितनी भी दुकानें थी, आप देख रहे हैं कि आम जीवन स्वतः ठप हो गया है, क्योंकि ऐसी घटना जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, इस निकम्मी सरकार जो बैठी हुई है कुर्सी पर, इनको थोड़ा भी शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, इनको ऑटोमेटिक गद्दी छोड़ देना चाहिए कि 34 बच्चियों के साथ, ऐसी बच्ची जिसकी उम्र 7 से लेकर 10 साल, 12 साल, 14 साल है, उन बच्चियों के साथ मानवता का इतना शर्मसार घटना होता है और उनके ऊपर एक भी प्रेस विज्ञप्ति इनकी नहीं आती है। तो ऐसी घिनौनी सरकार जो केंद्र और राज्य में बैठी हुई है, इन सरकार को तो ऐसे ही इस्तीफा देना चाहिए। और इस बंदिश के दौरान हम लोग यहाँ पे आके थाना में गिरफ्तारी दिए हैं, तकरीबन 600, 700, 800 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे गिरफ्तारी दिए हैं और हम लोग अभी थाने में हैं, लरियसराय थाने में। इसके बाद आज मिला जुला के ये पूरा का पूरा बंद हमारा सफल रहा और निश्चित है कि इस बंदिश के बाद आज राज्य सरकार, बिहार प्रशासन आज होश में आएगी, नहीं आएगी तो आगामी आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल फिर इसी तरीके से फिर बंद करेगी और इस सत्ता को डगमगाने का काम करेगी। आज पूरे बिहार में जिस तरह से मुजफ्फरपुर नुवान होम में लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना हुई है, सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है, आइए सत्ता संरक्षित जो पूरे घटनाक्रम है इसमें जो सरकार लगातार अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रही है, पूरे घटनाक्रम में जहां तक सामने आई है कि सामाजिक कल्याण मंत्री की पति चंद्रशेखर वर्मा का नाम आ रहा है, वहाँ भाजपा कोटे से मंत्री सुरेश शर्मा का नाम आ रहा है जिनका ब्रजेश ठाकुर के साथ एक सीधा संबंध रहा है, इन लोगों पर आज तक बर्खास्तगी की मांग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ये पूरी घटना का जो मुजफ्फरपुर हो या पूरे बिहार में जहाँ भी रिमांड होम है वहाँ की पूरी एक जांच सामने आए, 30 की रिपोर्ट को सामने लाया जाए, सार्वजनिक किया जाए और इस पूरे मामले में जो हाई कोर्ट के नियंत्रण में, हाई कोर्ट के देखरेख में पूरे सीबीआई जांच हो, पूरे मामले को लिपापोटी किया जा रहा है और इसमें सीधा सीधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब दे हैं और उनको इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए। आज पूरा बिहार बंद है, पूरे वामपंथी दलों का ही बंद नहीं है, पूरे बिहार के जनमानस के सामने सवाल है कि पूरे बिहार को जिस तरह से शर्मसार किया गया है, आज बेटियाँ असुरक्षित हैं, आज गया का मामला हो, छपरा का मामला हो, सारण का मामला हो, जहानाबाद का मामला हो, मुजफ्फरपुर में ये तमाम
जगहों की जो घटनाएं हैं, दलितों गरीबों पर हमले बढ़े हैं, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, इसके खिलाफ पूरा बिहार बंद है। हम पूरे वामपंथी दल, पूरे विपक्ष के तमाम संगठनों ने आज इस बंद को समर्थन किया है। आज पूरा बिहार इस सवाल पर उद्वेलित है। आज हम लोग बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोक रहे हैं, सुबह में जानकी एक्सप्रेस को लोगों ने रोका है। आज पूरा बिहार दरभंगा के तमाम रोडों को जाम किया जाएगा, NH-57 जाम रहेगा। आज पूरा बिहार पर दरभंगा के तमाम सड़कों पर आम लोग मार्च करेंगे। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार माले, राज्य कमेटी से। पूर्ण बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के खिलाफ हम लोग तमाम पार्टी मिल करके संपूर्ण बिहार को बंद करने का काम कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम हम लोग का जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से या नरेंद्र मोदी को गद्दी से नहीं उतारेंगे, जब तक हम लोग तमाम विपक्ष एकजुटता के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग चलाते रहेंगे। अभी आप लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने बिहार संपर्क क्रांति को रोकने का काम किया है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कलाम। आई इनका लोग कानून के दायरे में रह कर के विरोध कर रहे हैं कि इस वक्त बिहार में बिल्कुल जंगल राज और अराजकता की पोजीशन है। जान माल, इज्जत, आबरू सब हम लोगों का खतरे में है और सरकार जो है बेलगाम हो चुकी है। बच्चियों की इज्जत आबरू की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, महंगाई बेहिसाब बढ़ती चली जा रही है और ये लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी सब मिलजुल करके पूरे बिहार में जो अच्छा माहौल बन रहा था उसको मलियामेट कर दिया है इन लोगों ने। हम लोग रेल का चक्का भी जाम कर रहे हैं और किसी तरह का उपद्रव न करते हुए हम लोग कानून के दायरे में रह करके जायज एहतजाज कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिला मोहम्मद कलाम साहब और हमारे पूरे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के युवा के सब लोग हम लोगों के साथ हैं और जितने वामपंथी हैं सब लोग मिलजुल करके हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। गुलाम मुजक्किर खान जाले। आप जानते हैं कि पूरा बिहार में अपराध का ग्राफ ज्यादा बढ़ रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छात्राएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ के आम आदमी सुरक्षित नहीं है और मुजफ्फरपुर जिले के बालिका गृह यौन शोषण कांड ने पूरे बिहार को पूरे संसार में पूरे विश्व में शर्मसार करके रख दिया है। पूरे विश्व में बिहार को बदनाम करके रख दिया है और इस कांड के दोषियों को बिहार सरकार बचाने का काम कर रही है। इसमें सफेदपोश लोग शामिल हैं, सत्ताधारी दल के मंत्री शामिल हैं और कई आला अधिकारी उसमें शामिल हैं इस यौन शोषण कांड में, जिसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है और सरकार बचाने का कार्य कर रही है, जिसके खिलाफ वाम दलों ने आज संपूर्ण बिहार बंद का आह्वान किया है और क्रांति का बिगुल फूका है, जिसका समर्थन हम महागठबंधन के लोग, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम सेकुलर ने भी किया है और सड़क पर उतर करके आमजनों से सहयोग मांगने का काम हम लोग कर रहा है कि बिहार को बचाना है और नीतीश सरकार को जो है बिहार से भगाना है और बिहार को जो है एक नई राह पर हम लोगों को ले जाना है और बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए, बिहार को विनाशकारी शक्तियों से बचाने के लिए, बिहार को बलात्कारियों से बचाने के लिए, बिहार को डकैतों से बचाने के लिए, बिहार के गरीब आम आवामों को लूटने वाली सरकार से बचाने के लिए हम आम जनों से जो है जनक्रांति का आह्वान करते हैं और इस बंद का समर्थन करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि बिहार संपर्क क्रांति आज हम लोग जो है कई घंटों से जो है इसको रोके हुए हैं, कई जगह हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिले के विभिन्न हिस्सों में सड़क जाम है, शहर में बाजार बंद कराया जा रहा है, स्कूल कॉलेज बंद कराया जा रहा है और इसके माध्यम से यदि सरकार सचेत नहीं होती है, CBI सचेत होकर के इसमें मुख्य आरोपी जो मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री हैं उनके पति की गिरफ्तारी और सुरेश शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं, जो
मुजफ्फरपुर के विधायक भी हैं जिनका खुला संरक्षण वहाँ के अपराधी ब्रजेश ठाकुर को प्राप्त है। अगर उनको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है, उनको प्राथमिकी अभियुक्त नहीं बनाया जाता है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो यह आंदोलन और उग्र लूट लेगा और विशाल होगा और नीतीश सरकार को फेंकने का काम करेगा। क्या नाम हुआ? आर के दत्ता, जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से। यौन हिंसा जो 34-35 लड़कियों के साथ जो हमारे बिहार के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जदयू के नीतीश कुमार जी हैं और उन्हीं के पार्टी के जो मंजू वर्मा हैं उनके पति द्वारा जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, यह हर तरह से समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। और इसी यौन हिंसा के खिलाफ आज बिहार बंद के द्वारा वामपंथी पार्टियों के द्वारा आह्वान किया गया है बिहार बंद का, जिसका हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा समर्थन कर रहे हैं। अभी मैंने हम लोग स्टेशन बंद कराए हैं, अभी विश्वविद्यालय को बंद करा रहे हैं, इसके बाद हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय को बंद कराएंगे, डिपार्टमेंट को बंद कराएंगे। और जब तक यह जो यौन हिंसा भाजपा शासित राज्यों में आप जहाँ भी देखिए, आप मुंबई साइड में देखिए, राजस्थान में देखिए, कर्नाटक में देखिए, अभी बिहार में देखिए, हर जगह जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ यौन हिंसा चरम पर है। और इसी के जो बिहार सरकार के जो नेता हैं उनका जो संरक्षण प्राप्त है और उन इतना मैंने कि आंदोलन के बावजूद भी आज आप जान रहे हैं कि बिहार को शर्मसार करने वाली ये घटना मुजफ्फरपुर 40 छात्राओं के जिस तरह से सरकार के संरक्षण में रेप हुआ है और अभी तक सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया है। और हम मांग करते हैं कि अविलंब सीबीआई के साथ साथ हाई कोर्ट के न्याय जज के देखरेख में उसकी जांच हो और दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और उदाहरण मूलक सजा हो, ताकि यह साहस किसी भी नहीं कर सकता है कि छात्र छात्राओं के साथ बिहार में किसी तरह की घटना का अंजाम दे सके। हमारा वामपंथी छात्र संगठन और जो जनवादी संगठन है वो हम सब सारे लोग मिल करके आज विश्वविद्यालय बंद कराए हैं। और तमाम मामला ये है सर कि बाजाबता एक सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ के अंदर में। उस एनजीओ को किसने स्थापित किया ये पता कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो एनडीए के सरकार से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने इसलिए ये रोका है, इसलिए ये जाम किया है क्योंकि लोगों को पता चले कि बिहार में सुशासन बाबू के अंडर में उनके निरीक्षण में एक सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है और उनके राइट हैंड जो ब्रजेश ठाकुर जी हैं वो चलवा रहे हैं बाजाबता। तो हम लोगों को पता करना है, जैसे ही हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार पे करप्शन का इलीगल एलिगेशन लगा के उन लोगों ने वो कर लिया, इस्तीफा दिया है, वैसे ही आज तो एक लीगल एलिगेशन लगा हुआ है उनके सरकार के ऊपर, उनके आदमी के ऊपर। उनको इस्तीफा देना चाहिए था, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने इसी इसमें ये विरोध प्रदर्शन किया है कि वो इस्तीफा दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो ये विरोध प्रदर्शन पूरा नेशनल रूप लेगा सर, ये पूरा नेशनल रूप लेगा सर। आज कहाँ पर बंदिश करवाएं? आज हम लोगों ने टावर पे बंदिश करवाई है, नाका 5 बंद है, पूरा दरभंगा आज बंद है, पूरा बिहार आज बंद है सर, है कि नहीं है। और ये अगर सुशासन बाबू हमारे इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऑल ओवर इंडिया बंद होगा, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए ये शर्मनाक बात है कि शेल्टर होम में जो बेचारी अनाथ बच्चियां हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है, उनके साथ ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, उनको दवा दी जा रही है रात में खाने के बाद। मधु जी कहाँ है अभी तक किसी को नहीं पता है। सीबीआई क्या कर रही है? वो सेंट्रल ब्यूरो है ना सर, उसको तो पता कर लेना चाहिए मधु जी कहाँ है, लेकिन किसी को नहीं पता है। हमारे सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं ये भी किसी को नहीं पता है। लोगों को पता करके बताइए, पेपर में लेके आइए और इसका निरपेक्ष जाँच करवाइए, यही है हम लोगों का। और ये सुशासन बाबू इस्तीफा दें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सैफुल्ला मुजफ्फर। मुजफ्फरपुर बाल गृह की जो शर्मनाक घटना हुई है जिसके अंदर 29 बच्चियों के साथ गलत रेप का कांड हुआ है, इसके खिलाफ में जो पूरे आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार का को बंद की घोषणा है, बंद है। हम लोग उसी के तहत दरभंगा महानगर
राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में आज पूरा शहर बंद है। सभी तरफ अपने अपने जो जहाँ जहाँ के जो कार्यकर्ता हैं सभी इलाके में लोगों से शांतिपूर्ण बंद का आह्वान कर रहे हैं और लोग भी इसमें समर्थन दे रहे हैं। ट्रेन को ट्रेन पर भी कार्यकर्ताओं ने खास करके ये आज की बंदी वामपंथियों की थी, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना समर्थन दिया है और हम लोग इस बंदी के माध्यम से जो वहाँ घटना घटी है जिस पर सरकार ने CBI की भी जांच चल रही है, इस जांच को जल्द से जल्द करावे, जो भी इसके अंदर दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यही हम लोगों की मांग है। बंदी कैसा मान रहे हैं? बंदी जो अभी तक हम लोग जिन क्षेत्रों में, जैसे मैं अपने बंगलागढ़ से होते हुए टावर आया हूँ, महानगर के अध्यक्ष उधर सुबह क्या कहते हैं JP चौक होते हुए इधर आए, मिर्जापुर की जा रहे हैं, लोग स्वतः दुकानों को बंद किए, कोई छिटपुट जो खुली हुई भी है वो भी अपनी दुकानों को पूजा पाठ कर करके बंद कर रहे हैं, इसलिए जनता का इस पर पूर्ण समर्थन है। बिहार बंद के समर्थन में वाम दलों के द्वारा देर शाम कैंडल मार्च भी निकाला गया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो घटनाएं घटी है, जो महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, उसके लिए कल जो है संपूर्ण वामपंथी एवं विपक्षी दलों के द्वारा बिहार बंद का कॉल दिया गया है। उसके खिलाफ, मुजफ्फरपुर की घटना के खिलाफ आज हम लोग पूरे शहर में कैंडल मार्च निकाल करके कल के बिहार बंद का। ऑटो चालकों को सुविधा दिलाने की मांग को लेकर भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों टेम्पो चालकों ने लहेरिया सराय के धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मधुर संघ के बैनर तले में आज देख रहे हैं आप बोलो मैदान धरना स्थल पर हजारों के संख्या में टेम्पो चालक एवं टेम्पो मालक सुबह से ही 11 बजे दिन से यहां पर धरना में बैठे हुए हैं। हम लोग सभी आदमी जिला पदाधिकारी महोदय के यहां जोरदार प्रदर्शन किए और चट्टानी एकता का परिचय देने का काम दरभंगा के टेम्पो चालक का मालिक ने मिलकर किया है। साथियों, हम आप मीडिया वाले कर्मी से खास कर गुजारिश करेंगे कि आप जो टेम्पो चालक पर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा दबंगों के द्वारा विभिन्न चौक चौराहा पर 10 रुपया के 20 रुपया की वसूली की जाती है, आप भ्रष्टाचार के नाम पर DTO ऑफिस में जो दलालों के द्वारा रकम टेम्पो चालक को लूटा जा रहा है 600 के बदले 3600 जो वसूला जाता है, उसके बाद फाइन देने के बावजूद भी जब थाना में जाया जाता है तो उसे 200 रुपये का डिमांड बिना 200 रुपये लिए हुआ चाबी नहीं उसको देता है टेम्पो चालक का। ये कैसा जिला प्रशासन है, कैसा पुलिस प्रशासन है, आए दिन लूट हत्या हो रही है, उसे नहीं देखना है, लेकिन गरीब गुरुआ पर लाठी डंडा चला के उसके गाड़ी को बंद करके अपना वाहवाही लूटना चाहता है। क्या यही जिला प्रशासन है? क्या उचित है? यही न्याय है गरीबों के प्रति? हम तो ये समझते हैं यहाँ का पुलिस प्रशासन को इसलिए भेजा गया है कि 1919 में आम सभा चुनाव होने जा रहा है, अगर ये जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन है तो नीतीश कुमार का एक टोंग तोड़ के ये मनोज कुमार फेंक दिया किसी नदी में, बिहार के मुख्यमंत्री घूमते रह जाएंगे। और मैं कह देता हूँ, जात पर नहीं पात पर, इस पर मोहर लगेगा टेम्पो छाप पर। विधानसभा, उसको गोली का जवाब हम सभी टेम्पो चालक का मालिक
पायलट से देने का काम करेंगे, पायलट से देंगे। बस यार हो जाओ जिला प्रशासन। मैं इस मान से माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूँ कि आप यहाँ के प्रशासन से जो गरीब गुरबा पर जो अत्याचार करने का काम कर रहे हैं उसे रोक लगाई जाए, और टेम्पो चालक पर जो झुंड है आप मुख्यमंत्री महोदय स्वयं संज्ञान लीजिए और इन गरीब गुरबा पर लाठी चलाना बंद करिए और गाड़ी को थाना में बंद कर दीजिए, लगाना रोक लगा। जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी एवं उपाध्यक्ष ललिता झा पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में विशेष बैठक आहूत की गई। अविश्वास के विरोध में एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के समर्थन में सभी पार्षदों सर्वसम्मति से अपना समर्थन दे दिया। जीत के बाद रंग गुलाल के बीच खुशियां मनाई गई। और उसमें हम तमाम पार्षद पहुँचे और हम लोग पे जो अविश्वास लगा हुआ था 4 पॉइंट अध्यक्ष और 3 पॉइंट हम थे, उसका हम लोग ने आवेदन और मौखिक रूप से उस पर बहस की और हम लोग को मेरा अविश्वास खारिज किया। पहले तो हम सभी पार्षद के धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरा सभी पार्षद 47 मुझे साथ दिए हैं, जो हम किए हैं 2 साल के पीछे मिलकर हमको हमारा काल मिला है, जो मेरा सभी पार्षद मुझे दिए हैं मान सम्मान की कुर्सी बचाए हैं सभी पार्षद। और जिससे 11 बजे समय में मीटिंग था 10 आधा घंटा साहेब नदेव साहेब ने सभी पार्षद के इंतजार किए उन्हें आ पाए, इसी दौरान में साहेब ने डी एम साहेब ने खारिज कर दिया। मेरा एक करार है और आप लोग के भी धन्यवाद देते हुए आप लोग के सहयोग आप लोग के प्यार से हमको हम लोग के यहाँ कुर्सी बचे हैं और बचा करके रखे हैं और सब पार्षद के धन्यवाद में देते हैं, जिसमें हमारे 47 जिला पार्षद का समर्थन प्राप्त है। और आज़ादी के बाद उपाध्यक्ष तो 5 साल रहे भी हैं 73वां संशोधन के बाद भी, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार अध्यक्ष गीता देवी यह 5 साल इस पद को सुशोभित करेंगी, यह अपने आप में शायद एक इतिहास है। और यहाँ सिर्फ एक नारा है, जिला परिषद एकता जिंदाबाद। SBI लहरियासराय शाखा में गोल्ड लोन स्कीम के तहत करोड़ों रुपए हुए फर्जीवाड़ा में बैंक प्रबंधक के द्वारा श्री ज्वेलर्स एंड सन्स के प्रोपराइटर सुनील ग्राई को भी मूल्यांकन कर्ता के रूप में अधिकृत करने का दावा किया गया। इसका विरोध करते हुए सुनील ग्राई ने कहा कि यह आरोप सरासर गलत है, बैंक के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। माध्यम से हमको भी ये खबर पता चला कि SBI में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है गोल्ड लोन के तहत, ठीक है। तो मैंने बैंक प्रबंधक का कहना है कि अन ज्वेलर के साथ रूप श्री ज्वेलर जिसके प्रोपराइटर सुनील गड़ाई है, ये दोनों मिल के इस तरह का कोई षड्यंत्र किए हैं और ये वैल्यूएबल मतलब SBI लहरियासराय ब्रांच का वैल्यूएबल जो कि हम नहीं आज तक हम बैंक नहीं गए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरा नहीं लगा हुआ है, हम आज तक उसके वैल्यूएबल बने नहीं है। पता नहीं किस तरह का ये सिचुएशन आया कि उसमें मेरा नाम आज पेपर के माध्यम से पता चला है। ये पिछले 10 दिनों से ये चल रहा था और आज एकाएक रूप श्री ज्वेलर एंड सन्स प्रोपराइटर सुनील ग्राम का नाम गराई का नाम उसमें आया। पहला नाम किसका आ रहा था? ये बैंक के द्वारा बताया जा रहा है कि ये मूल्यांकनकर्ता ये थे मतलब रूप श्री ज्वेलर्स, इनके द्वारा वैल्यू लगाए गए सामान पर जो पीतल का सामान रख के अपने नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों को लोन के रूप में वो पैसा दिए हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया मेरे नॉलेज में नहीं। अगर वो प्रूफ करे कि मैं अपने रिलेटिव्स किसी दोस्त को इस तरह का लोन दिलाया हो तो हम उसमें है ही नहीं। तो मैंने आज तत्काल SBI अधिवक्ता के माध्यम से SBI को एक प्लेजर नोटिस भेजकर जवाब मांगे हैं कि किस आधार पर और कब मुझे अधिकृत किया गया। यदि बैंक द्वारा मुझे जानकारी नहीं दी जाएगी तो मैं बैंक प्रबंधन को मानहानि का दावा करूंगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा और मैंने ये आज कर दिया। उसके बाद आप लोग को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये पहले ही कर दिया जिसका हम अभी जीरोक्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्या नाम है?
मेरा नाम सुनील गराई हुआ और मैं रूप सिंह ज्वेलर्स एंड सन्स का प्रोप्राइटर हूँ। विश्वविद्यालय में हो रहे छात्रों के साथ समस्या को लेकर आयशा के बैनर तले छात्रों ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के समक्ष घंटों प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन का शिक्षा परीक्षा और परीक्षा परिणाम देने में जो संवेदनहीनता है, इसके खिलाफ आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन मिथिला विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन की जो मनमानी है, परीक्षा विभाग की जो लचर व्यवस्था है, जिस वजह से आज छात्र परेशान हैं। 6 साल से लगातार ग्रेजुएशन में जो पार्ट थर्ड की अंतिम वर्ष की परीक्षा होती है, उसमें प्रोविजनल ओरिजिनल के नाम पर छात्रों से पैसा ले लिया जाता है कि आपको कॉलेज में मिल जाएगा, लेकिन प्रोविजनल तो मिल गया है लेकिन ओरिजिनल आज 6 साल से छात्रों को नहीं मिला है। और आज जो आप भीड़ देख रहे हैं छात्रों का, वो ओरिजिनल नहीं मिलने का परिणाम है कि आज बीएड का कोर्स जब काउंसलिंग चल रहा है तब छात्रों को अवैध वसूली करके वो भी 15-20 दिन के नाम पर कहा जाता है लेकिन दिया नहीं जा रहा है। इस सवाल को हम लोगों ने सेंटर किया है। अभी बीएड का देखिए, बीएड 16-18 के सत्र का 2 महीना हो गया है परीक्षा दिया हुआ, लेकिन आज तक परीक्षा परिणाम नहीं निकला है। एलएलबी का पार्ट टू का परीक्षा का फॉर्म भरा गया, उसका भी लगभग 10 दिन हो गया है, अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। ये जो पूरा रवैया चल रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन का परीक्षा लेने के सवाल को लेकर, अभी कंप्यूटर सेक्शन की मनमानी चरम पर है। लगातार कंप्यूटर सेक्शन पर आरोप लगता रहा है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है वो मनमानी करता है, छात्रों को परेशान करता है, बावजूद उसको मार्कशीट छापने की जिम्मेदारी दे दी गई है और 1 महीना ग्रेजुएशन का रिजल्ट निकला हुआ हो गया है, आज तक छात्रों को मार्कशीट नहीं मिला है, जिस वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि लगातार आयशा ने आंदोलन करके विश्वविद्यालय के नाक के नीचे जो स्नातकोत्तर विभाग चलते हैं उसमें आप जाके मुआयना कीजिए, पानी पीने के लिए कोई स्वच्छ पानी का व्यवस्था नहीं है, बाथरूम में नल नहीं लगे हुए हैं, इस तरह का जो अराजकता है और इस पर जो विश्वविद्यालय प्रशासन की चुप्पी है, इसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और चेताने के लिए आए हैं कि विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है। आपके 10 बजे कार्यालय में आ जाने से छात्रों का कोई कल्याण नहीं हो रहा है, आप 2 बजे कार्यालय आइए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन छात्रों को समय से प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, छात्रों के कॉलेज से लेकर विभागों तक सब तमाम आधारभूत संरचना की व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रावास बनकर तैयार है कोसी छात्रावास, वहाँ शादी ब्याह होता है, वहाँ छात्र नहीं रह रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा चल रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं और 20 सूत्री मांग को लेकर हम इस आंदोलन में आए हैं कि आप हमारे हमसे बात कीजिए, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। क्या नाम? संदीप कुमार चौधरी जी। आज हम लोग यहाँ पर अपनी मांग लेकर के आए हैं विश्वविद्यालय में कि समस्तीपुर में हम पूरे छात्र आंदोलन को पूरे तरीके से हम लोग धार दे रहे हैं। यहाँ पर जो विश्वविद्यालय के इशारे पर और यहाँ के विश्वविद्यालय की जो छात्र संघ है, जो यहाँ विश्वविद्यालय के कुलपति का जो नटुआ है, इसके निर्देश से कि बीआरबी कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा एक रची साजिश के द्वारा वहाँ पर छात्रों को, छात्र नेताओं को एंटी रैगिंग के नाम पर छात्रों को फंसाया जा रहा है। ये तमाम सवाल को लेकर के फिर समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में जो छात्र संघ है, उस छात्र संघ के द्वारा यहाँ के DSW के नेतृत्व में वहाँ के छात्र संघ द्वारा गुंडागर्दी कराई जा रही है। वहाँ पर के कॉलेज कैंपस में पठन पाठन की व्यवस्था को छोड़कर वहाँ पर जो छात्र संगठन है वो छात्रों से उगाही में लगी हुई है। इस तमाम सवाल को लेकर के बीआरबी कॉलेज में जे वर्तमान के उस तत्कालिक मुख्यमंत्री जितन राम मांझी द्वारा घोषणा हुआ था, वर्तमान यहाँ के कुलपति तमाम लोग उपस्थित थे और पीजी की पढ़ाई के लिए तत्काल घोषणा हुआ था कि वहाँ पर तत्काल पढ़ाई कराई जाए, लेकिन आज तक वहाँ पर पीजी की पढ़ाई नहीं कराई जा रही है। जब तक वहाँ पर 6 से 20 से बीआरबी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हो रही थी और 2000 में उसको ख़त्म किया गया है। इस तमाम मांग को लेकर के और महिला महाविद्यालय समस्तीपुर में होम साइंस की पीजी की पढ़ाई को मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर घाट में स्थित सुशीला विवाह भवन जिला जनता दल यू के कलम जीति प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी को मजबूती करने विशेष बल दिया गया। नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक
पार्टी के कार्यकर्ताओं के संगठन का समीक्षा कार्यक्रम को लेकर आज यह बैठक आयोजित की गई है और मजबूती के साथ हम लोग कार्यक्रम को पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व का जो कार्यक्रम है उसको जिला से लेकर प्रखंड पंचायत और बूथ तक हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं और उसकी समीक्षा भी आज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग माननीय नेता दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों को भी जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे का हम लोग का कार्यक्रम बन रहा है, इसी को लेकर आज यह बैठक आयोजित की गई। कौन कौन लोग इसमें भाग लिए हैं? आदरणीय हमारे पार्टी के राज्य मुख्यालय प्रभारी श्री कामख्या सिंह जी हैं, जनता दल के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री संजय झा जी हैं, जिला संगठन के प्रभारी और माननीय विधान पार्षद श्री रामेश्वर महतो जी हैं, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा जी हैं और सभी प्रखंड के अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी, राज्य परिषद के सदस्य और हमारे सभी प्रमुख साथी यहाँ उपस्थित। आज हम लोग बैठ के तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील भारती, जिला अध्यक्ष जदयू दरभंगा। की ओर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी के समीप प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मिथिला विकास बोर्ड के गठन के लिए जो हम लोग जो कल मिथिला क्षेत्र से दिल्ली की ओर जो कुछ कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा है। हम लोगों ने जो मिथिला विकास बोर्ड के गठन के लिए जो कटिहार से हमारी मिथिला विकास के लिए रथ यात्रा जो शुरू हुई थी, कटिहार से चल करके सीतामढ़ी तक के पुनौरा धाम में 31 तारीख को ख़त्म हुआ है। इस माध्यम से हम लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिथिला विकास बोर्ड का गठन क्यों ज़रूरी है। हम लोग ये अपने मैथिलों में या प्रवासी मैथिलों में ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मिथिला विकास बोर्ड का गठन होना जरूरी है। इसमें हम लोगों का साथ आए, हम लोगों के साथ में मिलकर के सरकार के सत्ता कानों तक आवाज़ पहुंचाने की जो हमारी एक जरिया है मिथिला विकास बोर्ड के लिए, जो हम लोग लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं मंडी हाउस से लेकर के संसद मार्ग तक, उसमें हमारा समर्थन दें, हमें सहयोग करें ताकि मिथिला विकास बोर्ड के गठन करवाने के लिए पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ सत्ता के कानों तक पहुँचा सकें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मृत्युंजय ठाकुर हुआ, मैं मिथिला यूनियन का दरभंगा जिला प्रवक्ता हूँ। तरंगी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मिथिला विकास बोर्ड की मांग, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं जो कि दिल्ली में 5 तारीख को मंडी हाउस से लेकर संसद मार्ग तक जाएगी। मिथिला विकास बोर्ड की मांग इसलिए जरूरी है और इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि मिथिला के लोगों के बीच में जाए कि हम मिथिला का विकास सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होगा, जब तक मिथिला विकास बोर्ड लाया जाएगा। मिथिला विकास बोर्ड के लाने से हमारी मांगें, हमारी समस्या और हमारे क्षेत्र का विकास सीधे सरकार तक जाएगी, केंद्र सरकार तक जाएगी। एक बॉडी बन जाएगा जो हमें बीच में कोई भी तरह के राज्य सरकार या बाकी चीज़ों से ये कहने की मतलब बहाना मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे नहीं हो रहा है केंद्र सरकार के हाथ में। इसीलिए मिथिला विकास बोर्ड का मांग जरूरी है और मिथिला वासियों का समर्थन जरूरी है। कितने की संख्या में आप लोग वहाँ रहेंगे? लगभग हम लोग 10,000 के आसपास हैं पूरे हिंदुस्तान से। क्या नाम हुआ? मनीष पांडे, MSU नगर अध्यक्ष दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय के 46वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन शुक्रवार को मनाया गया, कार्यक्रम आगामी रविवार तक मनाया जाएगा। कार्यक्रम स्वच्छता से संबंधित है और इसको ये विशेष अवसर है हमारे लिए, विश्वविद्यालय के लिए स्थापना दिवस। हम लोग 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 अगस्त 1972 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और हम लोग 46 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। अगले 4 वर्षों में हम लोग का 50 दशक हो जाएगा जो कि गोल्डन जुबली के रूप में हम लोग मनाने की मंशा हम लोग की है। स्वच्छ भारत के अभियान में हम लोग योगदान कर रहे हैं क्योंकि स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है और स्वच्छता हमारी समझ से 2 तरह की होती है, एक बाह्य स्वच्छता होती है, एक आंतरिक स्वच्छता। और बाह्य स्वच्छता का आंतरिक स्वच्छता पे असर पड़ता है और आंतरिक स्वच्छता का बाहर भी, क्योंकि हम एक शैक्षणिक संस्थान है तो पहले हमें मानसिक रूप से स्वच्छ रहना चाहिए। जो हमारी विचारधारा है, हमारी की सोच है, जो हमारा व्यवहार है वो स्वच्छ होगा। अगर हमारे विद इन जो है स्वच्छता है तो कहीं ना कहीं बाहर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो ये है झाड़ू लेकर के हम सड़कों को साफ कर रहे हैं, ये बाह्य स्वच्छता है, और शिक्षा के द्वारा से और संस्कारों के द्वारा से छात्रों के अंदर जो है हम आंतरिक स्वच्छता भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन दोनों का जब समीक्षण होगा तो जो स्वतंत्र ये स्वच्छ भारत है वो अभियान जो है तभी हमारा सफल हो पाएगा।
इसके माध्यम से हम लोग जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं कि स्वच्छता देश के विकास के लिए कितना आवश्यक है, और साथ ही छात्र अपने छात्रों में जो है एक हम लोग सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व का अनुभव भी हम उनको करवा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ लिख करके सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ लिख रहे हैं, हम अपने समाज के लिए पढ़ रहे हैं, अपने देश के लिए पढ़ रहे हैं। अपना तो हम उत्थान करेंगे ही, अपने परिवार के लोगों का उत्थान करेंगे, साथ ही साथ हमें देखना है कि समाज और देश का उत्थान भी हम कैसे कर सकते हैं, और ये तभी संभव है जबकि हमारे अंदर से स्वच्छता आवे, मतलब हमारे विचारों में स्वच्छता आवे, सोच में स्वच्छता आवे, तब जो बुराइयाँ जो दिखाई दे रही हैं समाज में वो बुराइयाँ नहीं रहेंगी। अब बुराई रहित समाज होगा तो स्वच्छ समाज होगा, और स्वच्छ समाज जो है तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और मैं इस अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर, सारे विद्यार्थियों को और जितने भी लोग हैं हमारे पत्रकार बंध हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि सारे लोग संकल्प लें कि जब हम 50 वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय 50 वर्ष पूरा कर रहा हो तो प्रदेश में ही नहीं देश में कम से कम एक अच्छे विश्वविद्यालयों में इसका नाम हो। इस संकल्प के साथ हम लोग इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई, दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद।